अश्विनी कुमार। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की शक्ति को कैसे हम दो अलग अलग तरीके से एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जैसे हम दो उपयोग करते हैं, वैसे कैसे हम अपनी पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को उपयोग कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे इस बारे में सवाल ये पूछा कि गुरु जी, माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है और माइंड और बॉडी के साथ ये चेतना का क्या कनेक्शन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर हम माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करते हैं तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि थॉट यानी कि विचार क्या है, क्योंकि विचार से ही ये चित्त और शरीर दोनों कंट्रोल होते हैं। तो विचार का प्रभाव किस पर है, मतलब किस बातों का प्रभाव हमारे विचार पर पड़ता है, तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, आहार यानी कि हमारी फूड हैबिट्स एंड विहार मतलब हमारी लाइफस्टाइल। आहार मतलब हम कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये सारा हमारे फूड हैबिट्स में आता है। हम कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये सारा हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो ये हमारे आहारा एंड विहारा दोनों का प्रभाव हमारे विचार यानी कि थॉट्स पर होता है, और हमारा जो विचार है वो हमारे मन के जो हम दो हिस्से समझते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अक्सर लोग कहते हैं सबकॉन्शियस, पर मैं ये पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि हालांकि सबकॉन्शियस माइंड जैसा कुछ है ही नहीं। जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं वो कॉन्शियस का ही एक सब पार्ट है। तो सही मायने में अगर हम मन को समझना है तो हमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ऐसे समझना होगा। आप अपनी सरलता के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसा सोच सकते हैं। तो हमारा जो विचार है वो प्रभावित करता है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड दरअसल में एक पहरेदार की तरह है। जैसे ही कोई विचार आया हमारा कॉन्शियस माइंड ये डिसाइड कर सकता है कि इस विचार को एंटरटेन करना है, मतलब स्वीकार करना है या नहीं। लेकिन एक बार कॉन्शियस माइंड ने यदि विचार को स्वीकार कर लिया एंड इट वेंट इनटू अ सबकॉन्शियस, वो आपके सबकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस में चला गया, तो सीधा वो विचार आपके शरीर की तीन मुख्य सिस्टम जो है, हमारा जो पूरा शरीर एक मशीन की तरह है, हमारे शरीर की तीन अहम प्रणाली का है, सिस्टम है। कौन सी तीन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारे शरीर में जो विभिन्न ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, थायराइड, थैलेमस वगैरह, ये जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के स्त्रावों का निर्माण करती है, हॉर्मोन्स का निर्माण करती है, एंडोक्राइन सिस्टम को हमारे विचार प्रभावित करते हैं। दूसरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा चेता तंत्र। एक बार दिमाग में विचार आया, माइंड ने स्वीकार कर लिया, दिमाग में विचार आया, तो वो विचार हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है। एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि मैंने कहा केमिकल्स और हार्मोन्स जनरेट करता है, और यही केमिकल और हार्मोन्स हमारे चेता तंत्र को प्रभावित करती है। हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो केमिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं, हमारे विचार की तरंगों को हमारे दिमाग की कोशिकाओं में तरंगों के रूप में भेजने का काम करता है, वो चेता तंत्र है। और तीसरी जो मुख्य प्रणाली का है वो है इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति। तो ये समझिए कि हमारे आहार और विहार दोनों का प्रभाव विचार पर होता है। विचार आता है पहले कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड चाहे तो विचार को स्वीकार या तो अस्वीकार कर सकता है, लेकिन एक बार स्वीकार कर दिया तो ये हमारे तीन मुख्य जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, इसको प्रभावित करता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि 80% ऑफ डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक, माइंड एक्सेप्ट्स एंड बॉडी फॉलोस। कोई भी रोग हमारे शरीर में आने से पहले वो हमारे चेतना में प्रवेश करता है, इसलिए कहते हैं माइंड एक्सेप्ट्स एंड बॉडी फॉलोस। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी घटना हमारे जीवन में बनती है तो घटना दो बार बनती है, पहले वो हमारे आसपास हमारी चेतना के अंदर
वो घटना फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है और वही फ्रीक्वेंसी यानी कि इनफिनाइट पोटेंशियल के फॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारा दिमाग उस तरंगों को पकड़ता है और उसी तरंगों को फाइनाइट पॉसिबिलिटी के रूप में यानी कि वास्तविक घटना के रूप में तब्दील करता है। तो ये हो गया माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, और इसके ऊपर मैं आगे और बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस माइंड बॉडी कनेक्शन को और बेहतर बना सके और आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके, आपके दोनों स्वास्थ्य मेंटल एंड फिजिकल बोथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को आप बेहतर कर सके। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम अपने मन की शक्ति का दो प्रकार से उपयोग करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जिसको हम कहते हैं एक्सपांडेड कॉन्सियसनेस एंड एक्सटेंडेड कॉन्सियसनेस, इसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। तो दरअसल में ये जो दो उपयोग है वो मन की शक्ति का दो अलग अलग उपयोग है, भौतिक उपयोग और आध्यात्मिक उपयोग। कुछ लोग मन की शक्ति के केवल भौतिक उपयोग के बारे में ही बात करते हैं, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं कि आप मन की शक्ति से जीवन में संपत्ति के सुख के और भौतिक साधन को आकर्षित कर सकते हो वगैरह, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। आप यदि मन की शक्ति का संतुलित उपयोग करते हो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक, तो ही आप मन की शक्ति का सही उपयोग कर पाते हो। और अगर आपने माइंड बॉडी कनेक्शन को ठीक से नहीं समझा है तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप मन की शक्ति का समुचित रूप से उत्कृष्ट रूप से बेहतर प्रयोग कर पाए, और इसलिए माइंड बॉडी कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, साथ साथ आप दूसरे लोगों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद।